ओके okay, भाई लोग पेंगविन का टीजर या ट्रेलर आया तो उसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं ठीक ना काफी टाइम से इधर गायब था तो आया हूँ तो सब एक साथ रिएक्शन कर रहा हूँ देखते हैं क्या किया है इन्होंने बाजार में पेंग्विन के लिए एक्साइटेड है डीसी का कुछ भी कंटेंट आया अपन एक्साइटेड होते हैं इसका बहुत हद तक आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगा अपने अंबानी साहब के पास सारी चीजों के राइट्स है तो देखते हैं क्या कर रहे हैं तीन दो एक चार When I was a kid. There was a gangster. Real old school type. Rex Calabrese. He was a big deal. He helped people. You he saw you on the street. Call out to you. When I'm 14 or something, he has a heart attack and dies. Still holding a cigar. In my neighborhood. They threw a parade in his honor. A freaking parade. <laughs> wasn't Fancy, but it was a gesture. A show of love. Of what he meant. <laughs> यार मतलब Can you imagine to be remembered like that? उसके लिए आपको एक लेगेसी बनानी पड़ती है भाई यार और पेंगविन उसी लिए ही आया है ठीक है सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि एक लेगेसी बनाने जो मरो ना तो भाई पूरे शहर को मातम बनाना चाहिए वो भी एक गैंगस्टर होते हो भाई यार देखते हैं गॉडफादर से कितनी इंस्पिरेशन उठाते हैं लेकिन आ, वो वो पूरा गन्स उन्स लेके ब्लास्ट व्लास्ट असाइलम अपन को आर्कम का देखने को मिल रहा है और जो हाउ आई मेट यू मदर वाली वो थी खैर स्पॉइल करूँगा अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं भी देख ही रहा था पूरा तो मेरा ख़त्म हो गया सो यहाँ ंगविन यार पेंगविन बैटमैन के लिए एक्साइटेड सुना था इसके आगे वाली कुछ ऐसी सीरीज उरीज थोड़ी सी कैंसिल उन्सल हो गई आई डोंट नो लेकिन देखते हैं क्या होगा मैं मैं एक्साइटेड हूँ पेंगविन के लिए और उसके ऊपर वीडियो तो हंड्रेड परसेंट आएगी भाई यार मतलब सीरीज खत्म हो जाए चाहे जैसे भी हो जाए लेकिन आएगी जरूर माहौल शुरू हो चुका है अब धीरे धीरे चीज़ें रोल आउट होना चालू हो चुकी हैं या मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम अपने ओपिनियंस बताओ तुम्हें कैसा लगा एंड मुझे ये बात बहुत अच्छा लगी कि उन्होंने अपने गौतम की टोन को मेंटेन करके रखा है आई डोंट नो कि वो अपना दी बैटमैन वाली सिनेमेटोग्राफी कैसे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि भाई हर सिनेमैटोग्राफर का अपना एक टेक होता है हल्का सा लेकिन फिर भी वो वो दुनिया को पकड़ के चलना कॉन्टीन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन फिर भी पेंगुइन के परस्पेक्टिव से दिखाना उसकी दुनिया को खड़ा होते हुए क्या बोलते बैच <laughs> एग्जैक्टली uh, वर्ड exactly याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ उसकी उसकी जो उसकी उसके परस्पेक्टिव से जो एक स्टोरी चलेगी और जो एंड में खुद को स्टैब्लिश करेगा बैटमैन का एक बड़ा थ्रेड को बड़ा थ्रेड बनते हुए तो जो अपन ने हल्के में नहीं लिया था पेंगविन को बैटमैन वन मूवी में वो एक्चुअली बैटमैन टू में अपन ले पाएंगे अगर तुमने आरखम असाइलम गेम खेला हुआ है तो आई थिंक टू आरखम का जो ओजी निकला हुआ था गेम उसके बाद जो दूसरा गेम था बैटमैन वाला भाई उसमें तो मैं पेंगविन से एकदम लिटरली चढ़ गया था मैं मैंने मैंने जब पहला कांड हुआ था ना उसमें मैंने बोला था भैंजू ये मिले मैं इसको पीटूंगा एकदम जम के तो मतलब वो वो मैं चाहिए मतलब देख के नफरत होने लगे लेकिन खैर उसी ही सा, साथ ही सीरीज़ का ये इंटेंट भी है कि भाई उसे एक एक, एक बड़ा गैंगस्टर फादर टाइप मतलब लेगेसी बनाते हुए दिखाए जो कि मैं देखना चाहूँगा ताकि तुम अपने ओपिनियंस बताओ तुम्हें तुम्हें कैसा लगा और क्या उम्मीद है दिपेंगविन सीरीज से क्योंकि मुझे उम्मीद बहुत अच्छी है एंड मैं चाहूँगा कि अच्छी निकले और सबकी बैंड बजा दे बाकी तुम अपने ओपिनियन जरूर बताना